इस बीच बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पीएम मोदी ने बात की। पीएम ने नीतीश को मौजूदा हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। जापान ने 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम खिलाड़ियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए मोबाइल मस्जिद का इंतजाम किया। जानकारी के मुताबिक एक बड़े ट्रक की तरह दिखने वाली इस मोबाइल मस्जिद को टोक्यो के न्यू नेशनल स्टेडियम के बाहर खड़ा किया जाए। इस ट्रक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे दोनों तरफ से फैलाकर बड़ा किया जा सकता है। साथ ही पीछे की ओर लगी हाइड्रोलिक सीढ़ी की मदद से खिलाड़ी इस मोबाइल मस्जिद में अंदर जा सकें। बताया गया कि इस मोबाइल मस्जिद में खिलाड़ियों के हाथ पैर धोने और नमाज पढ़ने के लिए चटाई का भी इंतजाम है। इस मोबाइल मस्जिद में एक साथ 50 खिलाड़ी नमाज पढ़ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर इस मस्जिद को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। यूपी के नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 1 लाख का इनाम है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के साथ बदमाश की कई देर तक मुठभेड़ चली और इस बीच बदमाश को गोली लगी। बदमाश को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नोएडा के SP ने बताया कि बदमाश को स्टार 1 टीम के साथ मुठभेड़ होने के बाद गिरफ्तार किया गया। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है जो कि 27/28 अप्रैल की रात में महागुण बिल्डर्स के कॉरपोरेट ऑफिस पे, जो फेज 3 थाना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पे एक डकैती की घटना हुई थी। उसका ये मेन मास्टरमाइंड था। इस पे 1 लाख रुपए का इनाम जून में घोषित किया गया था। हम लोगों के स्टार 1 टीम और थाना फेज 2 टीम द्वारा आज इसकी पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तारी की गई है। मुठभेड़ में सीरियसली ये गोली लगने से इंजर हुआ है। 12 मुकदमे इसके ऊपर करीब लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के हैं। क्रोएशिया में सिबिनिक शहर के पास जंगल में लगी भीषण आग के रिहायशी इलाके तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया। पिछले 2 दिन से धधक रही इस आग ने हाईवे से गुजरने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि ये आग तेज हवाओं की वजह से बुझने के बजाय बढ़ती जा रही है। तेज हवा से भीषण आग की चिंगारियां सड़क तक पहुंच रही हैं, जिससे लोगों के झुलसने का खतरा बना हुआ है। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई दी, जिसमें कई पेड़ जलकर राख हो गए। ये आग इतनी भीषण है कि पेड़ों से उठता धुआं इलाके में फैल गया और वहां आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। समय है तो मालो डाले ऊंचा पाए। तेजी से फैलती जा रही इस आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची। बताया गया कि 200 दमकल कर्मियों के अलावा भीषण आग को काबू करने के लिए सेना के कई जवानों की मदद ली गई, जिन्होंने विमानों के जरिए आसमान से जंगल में केमिकल गिराया, लेकिन आग को बुझा पाना उतना आसान नहीं है। हालात ये हैं कि वहां से आना जाना मुश्किल हो गया है और वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गनीमत यह है कि इस आग ने किसी को अपनी चपेट में नहीं लिया और सब सुरक्षित हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर